नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कई इलाकों पर जो है अब भी थोड़ी बहुत बरसात होने और तेज हवाएं चलने के साथ ठंड की शुरुआत के साथ मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। तो कैसा रहेगा पूरे मध्य प्रदेश का मौसम, कौन से जिले में अभी भी बरसात हो सकती है, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप भी जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़, देवास, छतरपुर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, भिंड, सागर, नीमच समेत किसी भी जिले, गांव या शहर में रहते पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की लेटेस्ट और ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में जो है पिछले एक सप्ताह से दौरान हुई भारी बरसात के बाद अब ठंड का आगमन है और मौसम विभाग की माने तो विभिन्न इलाकों पर मध्य प्रदेश में अब भी थोड़ा बहुत बरसात होने और तेज हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अब ठंडा मौसम रिकॉर्ड किया जा रहा है, खास करके रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग में कुछ जगहों पर दोस्तों जो है मौसम छाया रहेगा बादलों की वजह के साथ और काफी ठंडा सोना देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों बालाघाट, शिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में खास करके काफी ज्यादा जगहों पर तेज हवाएं चल रही है और यहाँ पर बादलों की वजह काफी अधिक देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर दोस्तों पूरी तरह से गर्मी से रहा तो ठंडा सोना मौसम यहाँ पर भी काफी अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडक क्या दोस्तों जो है शुरुआत होने लग गए और बताया जा रहा है कि सुबह के समय कुछ कुछ जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ पर दोस्तों ठंड पड़ रही है नहीं या फिर ठंड का आगमन हुआ कि नहीं आपके यहाँ पर, कमेंट करके जरूर बताएगा। और मौसम विभाग की लेटेस्ट और ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों पर दोस्तों जो है हमें काफी ज्यादा जगहों पर बारिश के कारण जो है तापमान गिर गया था और वही दोस्तों अभी तक लगातार जारी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की हवाओं के कारण कई जगहों पर तापमान में दोस्तों जो है तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। जबलपुर की बात की जाए तो तीन दिन मौसम साफ, रविवार सोमवार को बादल छाए रहेंगे। कटनी में तीन दिन मौसम साफ रहेगा, रविवार सोमवार को बादलों की अवजय रहेगी। भोपाल में पूरे 7 दिन 30-31 के करीब तापमान मौसम साफ रहेगा। दोस्तों सीधी की बात की जाए तो तीन दिन मौसम साफ, रविवार सोमवार मंगलवार से बादल छाए रहेंगे। बड़वानी में दोस्तों यहाँ पर जो है बादलों की वजह के साथ 30-32 के करीब तापमान रहेगा। ग्वालियर में 30-32 के करीब तापमान, कुछ जगहों पर गर्मी देखने को मिलेगी तो कई जगहों पर मौसम साफ रहेगा। धार में दोस्तों 30-32 के करीब तापमान रहेगा पूरे दिन और मौसम साफ सुहाना रहेगा। उज्जैन में 30-31 के करीब तापमान, मौसम साफ सुहाना है। हरदा में 30-31 के करीब तापमान, बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ है। शिवपुरी में 228-29 के करीब तापमान, मौसम साफ सुहाना है। मंदसौर में 30-32 के करीब तापमान, मौसम साफ सुहाना रहेगा। रायसेन में 30-31 के करीब तापमान, मौसम साफ सुहाना रहेगा। शाजापुर में 30-31 के करीब तापमान रहेगा, मौसम साफ सुहाना है। विदिशा में 30-31 के करीब तापमान, मौसम साफ सुहाना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर जो है खास करके श्योपुर में भी मौसम साफ रहेगा, कुछ जगहों पर थोड़े बहुत बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोस्तों जो है बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और ठंडा सोना मौसम रहने की संभावना पूरे एक सप्ताह तक। अशोकनगर में 30 के आसपास तापमान रहेगा, मौसम काफी ठंडा सोना रहेगा, लगातार उतार चढ़ाव जारी है कई जगहों पर, तो कई जगहों पर तापमान में भी लगातार गिरावट भी देखने को मिली है। सतना में दोस्तों ठंड की शुरुआत है, 30-31 के करीब तापमान, मौसम ठंडा सोना है। गुना में दोस्तों पूरे एक सप्ताह तक 30-31 के करीब तापमान है और मौसम साफ सोना है। खंडवा में 30-32 के करीब तापमान, मौसम साफ सोना है और ठंड का आगाज देखने को मिल रहा है। डिंडोरी में 3 दिन बादल, रविवार सोमवार मंगलवार को छिटपुट बरसात और बिजली चमकेगी। होशंगाबाद में 4 दिन 30-31 के करीब तापमान और बादल छाए रहेंगे। सिंगरौली में दोस्तों 3 दिन बादल और रविवार सोमवार को छिटपुट बरसात हो सकती है। उमरिया में पूरे 7 दिन 30-32 के करीब तापमान रहेगा। रतलाम में 30-31 के करीब तापमान और मौसम साफ सोना रहने की उम्मीद काफी अधिक है। वही दोस्तों यहाँ पर राजगढ़ की बात की जाए तो 30-31 के करीब तापमान, मौसम साफ सोना रिकॉर्ड किया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवास में 30 के करीब तापमान और मौसम साफ सोना रहेगा। छतरपुर में 30-31 के करीब तापमान रहेगा, मौसम साफ सोना है। अलीराजपुर में 30-32 के करीब तापमान, मौसम साफ है। बुरहानपुर में 4 दिन मौसम साफ और सोमवार को छिटपुट बरसात हो सकती है। भिंड में 30-31 के करीब तापमान और बादल छाए रहेंगे। सागर में 30 के करीब तापमान रहेगा, मौसम साफ सुहाना है। नीमच, दतिया, पन्ना, सीहोर, रीवा, शिवनी, शहडोल, दमोह, टीकमगढ़, झाबुआ, इंदौर, मुरैना, नरसिंहपुर, बालाघाट और यहाँ पर मंडला, छिंदवाड़ा समेत, बैतूल समेत, आगर, निवाड़ी समेत विभिन्न इलाकों का मौसम बदल सकता है। तो यह था मध्य प्रदेश का मौसम।